हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आपके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप कभी भी और कहीं भी आसानी से जॉब पा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इंटर कंप्लीट करने के बाद ही, ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद ही अगर आप चाहें तो आप जॉब कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है एज ए फ्रीलांसर और आप उनके लिए घर बैठे काम कर दे सकते हैं, काम कर सकते हैं जिसके लिए कंपनी आपको पैसे पे करेगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही कोई जॉब के लिए जाएं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करें। नहीं, आप ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद भी घर से 3-4 घंटे समय निकाल कर आप एज ए पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं जिसके लिए आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट, बस आपको ज़रूरत है जागरूक होने की और आपको ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से आप पैसे अर्न कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसको अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम अभी से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रेजुएशन मास्टर कंप्लीट करने के बाद ही अर्निंग स्टार्ट करें। अभी बहुत सारा स्कोप हमारे सामने खुला हुआ है जहाँ से हम लोग अच्छे खासे पैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको 3-4-5 ऐसे कोर्स बताऊंगा जिसमें से अगर आपने 2-3 कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, बढ़िया से सीख लिया, तो जिसके माध्यम से आप चाहें तो घर बैठे भी किसी दूसरे कंपनी के लिए काम कर एज ए फ्रीलांसर आप पैसे अर्न कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। बस आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस भी कोर्सेज का नाम मैं बताने वाला हूँ उस फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बना रहेगा, तो आप उस फील्ड में अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं, अच्छे खासे प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो बस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ 3-4-5 ऐसे कंप्यूटर कोर्स जिसको आप कंप्लीट कर लेना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला नाम पर जो मैं कोर्स बताने वाला हूँ उस कोर्स का नाम है ग्राफिक डिजाइनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्राफिक डिजाइनिंग का आज के समय में बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है। कोई भी कंपनी वगैरह चाहता है जो अपना एडवर्टाइजमेंट होता है वो ग्राफिकली एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या फिर ऐसे जॉब होल्डर को हायर करता है जो उनके प्रोडक्ट्स को ग्राफिकली डिजाइन कर मार्केट में पेश करे जिससे लोग उस एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट को परचेज करे। तो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है इस ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रेंड्स। और दूसरे नंबर पर मैं आपको जो कोर्स बताने वाला हूँ उस कोर्स का नाम है एनिमेशन कोर्स। जी है फ्रेंड्स, एनिमेशन तो आप देख ही रहोगे, एनिमेशन का कितना ज़्यादा क्रेज अभी हो गया। आप अभी देख लो, छोटे से बच्चे को देख लो, 2-3-4 साल के बच्चे को देख लो, उनके सामने अगर एक वीडियो ओपन कर आप मोबाइल में दे दो, बहुत भरपूर मतलब बहुत ही बढ़िया से उस वीडियो को देखते हैं और सीखते भी हैं। आज से 10 साल पहले क्या होता, बच्चे को अगर ABCD हम लोग को सिखाना होता था तो हम लोग पास बुक होता था, स्लेट वगैरह होता था जहाँ पे पेंसिल से हम लोग बच्चे को सिखा देते। लेकिन अभी अगर आपको बच्चे को ABCD सिखाना है तो बस आप एनिमेटेड वीडियो लगाकर दे दीजिए, एनिमेटेड वीडियो लगाकर दे दीजिए बच्चे को मोबाइल में, वो मोबाइल में बड़े आसानी से बड़े प्यार से उस वीडियो को देखेंगे और बहुत जल्दी कैच भी करते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी कैच करते हैं और सीखते भी हैं। फ्रेंड्स, आपको ही पता होगा विजुअल चीज़ जो होता है, हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी कैच करता है, कैप्चर करता है एज कंपेयर रिटेन। ठीक है, जो रिटेन लिखा हुआ होता है उसको हम लोग कम कैच करते हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसको हम लोग जल्दी याद कर लेते हैं। तो इसी लिए बच्चे जो है, जो ABCD वगैरह जो विजुअल फॉर्मेट में हम लोग को देखने को मिलता है, बच्चे को देखने को मिलेगा तो जल्दी उसको कैच कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी बहुत सारा कार्टून वगैरह, एनिमेटेड कार्टून वगैरह आ रहा है जिसको बच्चे बहुत ही देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, देख रहे हैं। इसमें बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा एनिमेटेड मूवी वगैरह बन रहा है जिसको बहुत लोग देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में, अट्रैक्टिव लगता है। तो इस कोर्स का भी डिमांड इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला और बहुत सारा स्कोप इसमें छुपा हुआ है। आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते अभी से तो इन फ्यूचर आप जैसे जैसे अपने आप को डेवलप करते जाओगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो कोर्स है मैं आपको बताने वाला, उस कोर्स का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग आज बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है आज के टाइम में।
कोई भी कंपनी को ले लीजिए, कोई भी कंपनी जब अपना कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि यार इसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कराया जाए। पहले क्या होता था, प्रचार जो है सिर्फ टीवी वगैरह में दिखाया जाता, सिर्फ टीवी में प्रचार दिखाया जाता था, ऐड के थ्रू दिखाया जाता था। लेकिन आज कंपनी वाले सोचते हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स का जो ऐड है वो हर एक इंसान तक पहुंचे। वो कैसे? तो डिजिटली के थ्रू पहुंचे, और सबसे आसान है क्योंकि आज हर इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है जो कि दिन में 2-4 बार आराम से ओपन करता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ओपन करता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म, उतना ज़्यादा ऐड, उतना ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँचता है। तो हर कंपनी सोचता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिजिटली इसको एडवर्टाइजमेंट कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो इस फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है, आप घर बैठे ये चीज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। आप इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके ऑफिस जाना होगा, उनके ऑफिस विजिट करना होगा, 8 घंटा समय देना होगा, उनके लिए काम करना, नहीं। आपके पास बस उनका डिटेल होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, और घर बैठे उनको वो चीज़ कर दे सकते हैं, जिसके लिए वो आपको अच्छे खासे पैसे पे करते हैं। और 4th नंबर पे जो मैं कोर्स आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, उस कोर्स का नाम है वेब डेवलपमेंट। जी फ्रेंड्स, इसका भी क्रेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है ये। इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिमांड इसका होने वाला, क्योंकि अभी ही देख लीजिए, छोटा से छोटा कंपनी, छोटा छोटा दुकानदार ये सोच रहे हैं कि हमारा खुद का एक वेबसाइट हो जहाँ पे लोग विजिट करें, वहाँ पे देखें कि उनके कंपनी या फिर उनके दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसा कैसा प्रोडक्ट है, वो सारा कुछ उसमें वो लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें वो डालना चाहते हैं, लोग की लोग उसको आकर वहाँ पे देखें। तो इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और बढ़ रहा है, इन फ्यूचर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला। एंड उसके बाद मैं आपको एक और कोर्स सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है ऐप डेवलपमेंट। जी फ्रेंड्स, ऐप डेवलपमेंट ये बहुत ही डिमांडेबल कोर्स है। इन फ्यूचर अभी ही देख लीजिए तो प्ले स्टोर खोल कर देख लीजिए, बहुत सारा एप्लीकेशन भरा पड़ा, हजारों एप्लीकेशन रोज लॉन्च हो रहे हैं, और लाखों करोड़ों एप्लीकेशन रोज डाउनलोड हो रहे हैं, लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का क्या होता है ना, किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए उनको एक एप्लीकेशन चाहिए, ताकि उनके पास जो सुविधा है उस चीज़ से रिलेटेड उनको एक जगह पे मिल जाए, उनको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा दौड़ भाग ना करना पड़े। बहुत सारे कंपनी भी यही चीज़ करते हैं, जब अपना वो वेबसाइट लॉन्च करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो साथ में एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करते हैं। एप्लीकेशन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि किसी भी काम को वो आसान कर देता है, आपके पास एक सीमित ऑप्शन रहता है जहाँ से आप किसी भी काम को कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, वेबसाइट को खंगालना नहीं पड़ता, आप उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, उससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारा ऑप्शन उस एप्लीकेशन में रहेगा, आप आसानी से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ कोर्सेज जिसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया, इसमें से 2-3 कोर्स भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो इन फ्यूचर आपके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी रहेगा, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहेगा कि इन फ्यूचर आप कभी भी कहीं भी इसके थ्रू जॉब पा सकते हैं। अगर जॉब ऑफिशियल वर्क नहीं भी करें तो आप घर बैठे भी इन एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड एंड जय हिंद।